लालू यादव जी से जुड़ी बड़ी खबर है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत पीयूष। आपको पता है कि लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं। रांची रिम्स के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनकी सेहत लगातार खराब चल रही है और ऐसे में वहां पर कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर उनके परिवार की, उनके शुभचिंतकों की, सबकी चिंता बढ़ी हुई है। और इस बीच खबर आ रही थी कि लालू यादव से बगैर परमिशन के लोग मिलने लगे थे, कार्यकर्ता नेता और सुबोध उकांत सहाय जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं झारखंड के, वो भी बगैर परमिशन के लालू यादव से मिलने पहुंच गए थे। जब सुबोध उकांत सहाय पहुंचे तो मीडियाकर्मी भी पहुंच गए पीछे पीछे और सब ने यही सवाल दागा कि बगैर परमिशन के आप लालू यादव से कैसे मिले। हालांकि सुबोध उकांत सहाय ने जवाब नहीं दिया, जवाब टाल गए, लेकिन वहाँ पर तैनात जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने ही ये खुलासा किया कि बगैर परमिशन के सुबोध उकांत सहाय लालू यादव से मिलने आए थे। और इस खबर के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस की नींद टूटी। ग्रामीण एसपी रांची वहां पर पहुंचे लालू यादव के वार्ड में, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को सख्त हिदायत दी, निर्देश दिया कि बगैर परमिशन के कोई लालू यादव से नहीं मिलेगा और जो भी मिलेगा उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए रस्सी बांध कर एक घेरा बनाया जाए ताकि लालू यादव से जो कोई भी मिले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। तो लालू यादव से अब मिलना आसान नहीं होगा। बहुत कड़ाई हो गई है, सख्ती हो गई है, क्योंकि पुलिस अब सतर्क हो गई है। तो अगर बगैर परमिशन के आप लालू यादव से मिलने जा रहे हैं तो आपका मेहनत बेकार जाएगा। लालू यादव से मिलना है तो बाकायदा आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आपको पता ही है कि लालू यादव से शनिवार के दिन केवल 3 लोग मिल सकते हैं, उसमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। और अब तो चुनाव का माहौल आ गया है, चुनाव का समय आ गया है, नेता उनसे मिलने जा रहे हैं। हर नेता चाहता है कि लालू यादव से मिलें क्योंकि लालू यादव ही पार्टी के ऑल इन ऑल हैं। तो लालू यादव से अब सब नेता नहीं मिल पाएंगे, कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लालू यादव जिसका नाम सुझाएंगे उसी को परमिशन मिलेगा और सप्ताह में केवल एक दिन 3 लोगों को मिलना है। ऐसे में अब लालू यादव से मिलना आसान नहीं होगा। लालू यादव की सेहत खराब है। रांची रिम्स में कई कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, डॉक्टर तक संक्रमित पाए गए हैं, उसको लेकर ज़्यादा खतरा बना हुआ है। लालू यादव का परिवार चिंतित है और लालू यादव की जमानत याचिका दायर की गई है फिर से। और ये दलील दी गई है कि सीबीआई कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी लालू यादव को, उस सज़ा का आधा समय वो जेल में काट चुके हैं, न्यायिक हिरासत में काट चुके हैं, इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए। और लालू यादव को परिवार के साथ रहकर इलाज कराने की छूट मिलनी चाहिए। तो उनके समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोर्ट लालू यादव की उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए, कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे देगा और लालू यादव चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे। लालू यादव चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके बाहर आने से तेजस्वी यादव को एक बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिल जाएगा और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लालू यादव के चाहने वाले बहुत हैं और उनको पता होना चाहिए कि लालू यादव से मिलना है तो किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन्हें पता होना चाहिए कि लालू यादव की जमानत याचिका दायर हो गई है, वो दुआ मांग सकते हैं कि उनको जमानत मिल जाए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी एट पारस वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।